सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल डेक्कन राइडर। तो आज है 11 तारीख और प्लान में थोड़ा चेंज हो गया है। हम लोग अभी सीधा मैं नासिक जाने वाला हूँ। आज महाबलेश्वर का प्लान था एक्चुअली, पर आज महाबलेश्वर जाके और कल नासिक जाके, तो फिर कल तक ही छुट्टी है ऑफिस को, तो फिर आज जाके मैं आराम करूँगा थोड़ा घर पे, बस और कुछ नहीं, यही कहना था। और अभी टाइम है 9:03, और हम रुके थे ये होटल श्री सागर में, बहुत ही अच्छा होटल है, आपको MMT पे मिल जाएगा होटल, ये बहुत अच्छा होटल है, रूम सर्विस काफ़ी अच्छा है, नाश्ता भी अच्छा है। देन ये होटल गणपति मंदिर से बहुत नज़दीक है, मतलब लगभग हार्डली 500 meters तक होगा मंदिर, और पार्किंग वगैरह का भी कोई इशू नहीं है, वॉचमैन रहता है, गेट बंद रहता है रात में, और इतनी बड़ी पार्किंग है। अभी निकलना है सीधा नासिक के लिए। आज तक की मेरी सबसे बड़ी राइड बनने वाली है आज, जो कि है लगभग 550 kilometers या फिर उससे भी ज़्यादा होगी। अभी हम जाने वाले हैं रत्नागिरी। रत्नागिरी में मेरा थोड़ा सा काम है, वो कर लेंगे फिर बाद में। कराड़ होके पुणे में SG रुकेगा, क्योंकि उसका काम है पुणे में, और मैं जाऊंगा सीधा नासिक। हाँ, इसका घर है, दूसरा घर है इसका पुणे में, तो वहाँ पे ये रहेगा और हम लोग सीधा मिलेंगे नासिक में। सो अभी रत्नागिरी जा रहे हैं, तो सोचा कि जाते जाते आरेवारे बीच करके जाए, क्योंकि आरेवारे बीच भी, ओह माय गॉड, यहाँ से क्या दिख रहा है, ये समुंदर बोलते बोलते ऐसे समुंदर दिख गया, तो यार एक नंबर, क्या बोलूँ मैं आपको, एक नंबर। एक फोटो निकलते क्या, सो गाइस मैं क्या बोल रहा था कि जाते जाते हम आरेवारे बीच करके जाने वाले हैं, तो वाह मस्त यार, एकदम मस्त। तो अभी एकदम फोटोज निकालेंगे फटक से जल्दी जल्दी और जाएंगे घर जो जाना है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हम आरेवारे बीच करके जाएंगे, क्योंकि जो आरेवारे बीच है ना, वो बहुत अच्छा है, देखने लायक है, फिर रत्नागिरी जाएंगे। माय गॉड, ये कोस्टल रूट अच्छा है यार, हमने कल कोस्टल रूट किया ही नहीं, मतलब करने वाले थे पर रास्ता इतना बोरिंग था। अरे ये देखो, क्या बीच है यार, और बीच के एकदम बाजू से रास्ता, एक नंबर यार, एक नंबर। ठंडी ठंडी हवा, बाजू में बीच भाई, और मैं क्या कॉम्बिनेशन, ओवर तो यही है शायद आरेवारे का बीच। तो गाइस अभी हमने डाइवर्जन लिया है जो रत्नागिरी से गोवा, मतलब मुंबई गोवा हाईवे है, वहाँ से डाइवर्जन लिया है, और अभी हम है NH 165 जो कि जाता है। तो गाइस अभी हम है दाबोड़े घाट में, क्या घाट है यार, मतलब कर्व्स, वाव, क्या घाट है यार। मैंने कैमरा ना पहले ही चालू कर देना चाहिए था, क्या सुपर घाट है, मतलब कर्व्स और ये नीचे दरी, वाव मैन, ये बीच में का पॉइंट है, दोनों साइड में दरी है, और यहाँ पे हम, वाव मैन वाव,
ये मालशेज जैसा है यार, सही है बॉस, मतलब मालशेज की याद आ गई यार। ये बारिश में कितना अच्छा होगा। तो गाइस अभी हमने लेफ्ट लिया है शाहूबाड़ी से, अभी लगभग 2 किलोमीटर आ गए, घाट चढ़ के आए, और ये देखो क्या है, विंडमिल्स। वाओ मैन, पे भी बहुत सारी है पर दिख नहीं रही है, यही देखो। और अभी प्लान कराड़ में रुकने का है, 1 बज गए होंगे, मैप चेक करने दो। टोटल आज अभी तक 728 किलोमीटर हुआ है और 37 का एवरेज दे रही है बाइक, क्या बात। और 12 ही बजे, मुझे लगा 1 बजा होगा। अभी हम फाइनली हाईवे पे आ गए हैं और अभी बजे है 2 बजे है और कराड़ यहाँ से लेफ्ट में 6 किलोमीटर है। अभी खाना खाते हैं इधर जल्दी से और फिर निकलते हैं पुणे के लिए। सो गाइस अभी जस्ट खाना खाके हुआ है, पुणे इज अराउंड 154 किलोमीटर जस्ट निकले है, कराड़ से पहले है। और ये ट्रैफिक कुछ मैप में ज़्यादा ही दिख रही है आगे, चलो कोई फायदा नहीं। और हम लोग हैं मुंबई बैंगलोर हाईवे पे, यस पहली बार मुंबई बैंगलोर हाईवे पे चला रहा हूँ मैं। सातारा इज अराउंड 59 किलोमीटर है, ये सब सातारा सिटी है। और अभी टाइम हो गया है 3:30 एंड इज अराउंड समथिंग 110 किलोमीटर। सो गाइस दिस इज सातारा, तो यहाँ पे एक फोटो निकलते हैं अच्छा वाला। सो गाइस फाइनली टाइम आ गया है आशीष को बाय बोलने का, बहुत मज़ा आया आशीष राइड करने में, फिर मिलेंगे, फिर जल्दी राइड करेंगे और एक यस वीडियोस भी आएंगे इस राइड के जल्दी। इसके चैनल पे भी देखना, मेरे चैनल पे भी देखना आगे के पार्ट्स, आगे के नहीं सॉरी पीछे के पार्ट्स अगर नहीं देखे हो तो, क्योंकि Day 1 Day 2 में भी बहुत मज़ा किया हमने। और बाय बाय कैप्टन, मिस करूँगा तुझे भी। और आशीष अभी इधर से उसके घर जाने वाला है और मैं सीधा निकलता हूँ अभी नासिक के लिए। चलो बाय आशीष, बेस्ट लक, राइड सेफ। और गाइस अभी फिलहाल तो मैं पुणे की ट्रैफिक में फंसा हूँ, कंट से पहले जो ट्रैफिक लगी है पिछले आधे 1 किलोमीटर से मैं ऐसे ही गाड़ी चला रहा हूँ कब से, क्या ट्रैफिक लगा दी है पुणे में, मतलब पुणे के बाहर भी, पुणे के अंदर है वो पता है। 2 hours later गाइस एक बात पता चल रही है कि ऑक्स लाइट लोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि ऑक्स लाइट के बिना कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि FZ25 का लाइट तो स्पॉट है, सिर्फ एक स्पॉट है छोटा सा, ये देखो अपना स्पॉट लाइट देखो, दिख रहा है क्या आपको, अभी और 150 किलोमीटर बाकी है। मैप में दिखा रहा है कि 2 hours 58 minutes और 161 किलोमीटर दिखा रहा है। ओके और ये 4-lane रोड भी चालू हुआ अभी से, पर लाइट कुछ अच्छा नहीं, तो इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे ही चलाता हूँ। सो गाइस क्विक अपडेट, अभी टाइम हो गया है 7:30 और मैं हूँ मंचर में, और खुशी की बात ये है कि मेरे 1000 kilometers कंप्लीट हो गए अभी, मतलब 10 kilometers हो गए हैं पर 1000 kilometers टोटल, 1009 kilometers कंप्लीट हो गए अभी तक, क्योंकि अभी ट्रिप 1 रीसेट हुआ है जो कि मैंने नासिक में किया था रीसेट जिसको। गाइस अपडेट 20:28 हो गए हैं और मैं हूँ संगम नेर सिटी के बाहर हाईवे पे, मतलब अच्छी खासी स्पीड मेंटेन की है मैंने। तो 9 बज गए हैं, शार्प 9,
अभी मेरे लिए 45 मिनट्स टू रीच माय होम। आशीष मिस कर रहा हूँ यार तुझे, आ जाता तू भी नासिक। सो गाइज 9:19 और मैं हूँ नासिक रोड, मतलब नासिक में पहुँच गया हूँ मैं। हाँ फाइनली, और हाँ यहाँ पर मैं वीडियो एंड करना चाहता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।